डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हम ब्रायोफाइटा की एक जो है वो जीनस को डिस्कस करेंगे। उस जीनस को नाम दिया जाता है रिजिया का। अब रिजिया की जब बात की जाती है कि वर्ड जो ये रिजिया है, ये वर्ड असल में इटैलियन है। ये इटैलियन वर्ड है जो उसके क्या थे, बॉटनिस्ट था एफ रिजाई। ये एफ रिजाई के नाम से इसे रिजिया का नाम दिया गया। तो मतलब ये है कि ये नाम इटैलियन वर्ड है, इसलिए हम इसे रिजिया बोलेंगे। ठीक है, ये रिजिया इसका जो है वो क्या है, वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मौजूद है। अब जब इसकी बात करते हैं, आज हम इसके रिजिया की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तो पहली बात ये है कि इसका ताल्लुक किससे है, ब्रायोफाइटा से है। ब्रायोफाइटा की जब बात की जाती है तो ब्रायोफाइटा वही है जिन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहा जाता है। इन्हें एम्फीबियन इसलिए कहा जाता है कि लैंड को तो इन्होंने अडॉप्ट किया, लेकिन क्योंकि इनके स्पर्म जो है वो क्या होते हैं, वो फ्लैजिलेट्स होते हैं, तो इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। दूसरा ये कि ब्रायोफाइटा वो होते हैं जिनमें क्या होते हैं, नॉन वास्कुलर है, इनमें वास्कुलर बंडल मौजूद नहीं होता, जाइलम फ्लोएम मौजूद नहीं होती, तो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ये जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी जो है क्या होती है, वो थैलाइड होती है। थैलाइड बॉडी कहते हैं ऐसी बॉडी जिसके अंदर रूट, स्टेम, ठीक है ना, और इसके अलावा लीफ में डिफरेंशिएट ना कर सके, यानी रूट, शूट और ठीक है ना, वो ब्रांचेस वगैरह में डिफरेंशिएट ना कर सके, तो हम ऐसी बॉडी को कहते हैं कि थैलाइड बॉडी है। तो ब्रायोफाइटा बेसिकली क्या है, वो थैलाइड है, और ये जो रिजिया मौजूद है ये उसी की एक जीनस है। अब हम इसकी देखते हैं टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की जब बात की जाती है, इसका जो डिवीजन है वो वही ब्रायोफाइटा है। क्लास इसकी जो मौजूद है वो है हेपेटिकॉप्सिडा। अब क्योंकि इसकी क्लास हेपेटिकॉप्सिडा है, इसलिए इसे लीवर वर्ड्स भी कहते हैं। लीवर वर्ड्स यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो डाइकोटमस होती है, दो शाखा होती है, बिल्कुल ऐसे लोब्ड होती है जैसे कि लीवर लोब्ड होता है, इसलिए हम इसे लीवर कहते हैं। और क्योंकि ये एक बूटी की तरह की होती है, हर्ब्स की शक्ल में होती है, इसलिए हम इसे वर्ड्स का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये कहलाती है लीवर वर्ड्स, इसे नाम दिया जाता है। इसके अलावा इसका जो ऑर्डर है वो मार्केंशियल्स है, जिसका ताल्लुक वो डिवीजन ब्रायोफाइटा से। इसका एक और मेंबर भी मौजूद है जिसे मार्केंशिया का नाम देते हैं। इसके अलावा इसकी जो फैमिली है वो क्या है, वो रिजियसी, रिजियसी इसकी फैमिली है, और जीनस इसकी जो है वो क्या है, वो रिजिया है। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इसकी टैक्सोनॉमिक जो है ना वो क्लासिफिकेशन मौजूद है। अब क्योंकि ब्रायोफाइट जैसे हमने बताया ना, लैंड तो अडॉप्ट किया है, हैबिटेट के हिसाब से ये है तो टेस्टेरियल्स, लेकिन ये पाए मॉइस्ट जगह पे जाते हैं, कुछ अभी भी एक्योटिक मेंबर्स के मौजूद हैं जैसे रिजिया रोबस्टा। ये क्या है, अभी तक ये वाटर के गिर्द पाया जाता है, वाटर के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह जो है इसकी कुछ स्पीशीज हुआ जो एक्योटिक है, कुछ लैंड को अडॉप्ट कर चुकी हैं, लेकिन इन्हें फिर भी रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए होता है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये असल में एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स मौजूद है। तो हैबिटेट के हिसाब से मॉइस्ट, एक्योटिक, टेस्टिकल्स लैंड के अंदर मौजूद होते हैं। जब इसके स्ट्रक्चर की बात करती हैं तो इसके स्ट्रक्चर में जो मेन बॉडी है वो असल में क्या है, वो गैमेटोफाइट है। अब इनकी जो मेन बॉडी है गैमेटोफाइट है, और इसलिए क्या होता है, ये गैमेटोफाइट भी कैसी है, ये गैमेटोफाइट थैलाइड शक्ल में है, थैलस के शक्ल में मौजूद है, कोई रूट स्टेम वगैरह इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं है। दूसरा, इसमें जो नोड मौजूद है, उस नोड की खासियत ये है कि उसके सर ऊपर जो है वो एक नॉच मौजूद होता है, एक डिप्रेशन मौजूद होता है। फिर ये जो लोब है, ये लोब जो है वो क्या होता है, वो सेंटर से थिक होता है और किनारों से थोड़ा सा क्या होता है, वो पतला होता है। जहां से ये थिक होता है वहीं से इसके बाद क्या होता है, वो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है यानी कि आर्चिगोनिया या एंथ्रीडियम, वो यहीं से क्या होते हैं, इसके अराइज होते हैं। दूसरा, जब हम इसके लोब को देखते हैं तो ये आगे से क्या होता है, ये बाइफुरकेट हो रहा होता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा होता है, यानी कि ये क्या होता है, ये डाइकॉटमस होता है। क्या होता है, ये डाइकॉटमस जो है ये मौजूद होता है। अब क्योंकि इसकी जब ग्रोथ ज्यादा होती है तो एक लोब दूसरे लोब के ऊपर जब ग्रो कर जाता है तो बिल्कुल वो वैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम रोजेट स्ट्रक्चर कहते हैं। कि रोजेट का मतलब ही यही है कि जिस तरह रोज के अंदर क्या होता है, पैटर्न एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, ओवरलैप कर जाती है, इसी तरह इसके लोब्स भी एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। जब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं तो उस ओवरलैप करने की वजह से ये क्या होता है, ये रोजनुमा या रोजेट जो है वो नजर आता है। हालांकि होता है क्या, लोब एक दूसरे से अलग हैं, डाइकॉटमस हैं, और नॉच इनकी मौजूद है, साइडों से क्या चीज पतले हैं, लेकिन दरमियान से क्या है, वो थिकर मौजूद होते हैं, और वहीं से सेक्स ऑर्गन जो है वो अराइज होते हैं। फिर जब इसे देखते हैं तो क्योंकि इसकी बॉडी दो लेयर पे डिवाइड है, ऊपर वाली लेयर जो है इसकी डॉर्सल है,
और नीचे वाली लेयर जो इसकी वेंट्रल है। अब जो वेंट्रल लेयर मौजूद है वहां से क्या होते हैं, अब्सॉर्प्शन के लिए, एंकरिंग के लिए और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, वो स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन्हें राइजॉइड्स कहते हैं। अब इसमें राइजॉइड्स दो किस्म के होते हैं, एक राइजॉइड्स वो होते हैं जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्केल मौजूद नहीं होता। अब उसके ऊपर किसी किस्म का स्केल मौजूद नहीं होता जो मेनली क्या करते हैं, अब्सॉर्प्शन करते हैं। दूसरे वो होते हैं जिनके ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं, जिनके ऊपर थोड़ा बहुत क्या होता है वो स्केल और थोड़ा हार्ड होते हैं, और उन्हें कहते हैं ट्यूबरकुलेट। इसका मतलब राइजॉइड इसमें दो होते हैं, एक स्मूथ और एक ट्यूबरकुलेट किस्म के इसमें राइजॉइड जो है ना वो मौजूद होते हैं, जिनका काम एंकरिंग करना, साथ साथ क्या करना, ये जो अब्सॉर्प्शन में भी अहम रोल अदा करते हैं। जैसे हमने पहले कहा क्योंकि इसकी बॉडी क्या है, वो थैलस है और नॉच है, इसी नॉच की वजह से हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये बिल्कुल लोब्ड होने की वजह से ये लीवर बर्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये लीवर बर्ड्स के लिए जो है वो नाम दिया जाता है। और हमने बताया कि लोब के दरमियान में क्या होता है, लोब के दरमियान में थिक होता है, बाकी जगह से किनारों से क्या होता है वो थिन होता है, यहीं से फिर क्या होते हैं वो सेक्स ऑर्गन निकलते हैं, स्पेशल ब्रांचेस निकलती हैं, वो ब्रांच जो क्या करेगी, जिसने आर्चीगोनिया बनाना है हम कहेंगे वो क्या, वो आर्चीगोनियो फोर कहेंगे। तो इस तरह क्या होगा, वो ब्रांच जिसने क्या बनाना है, जिसने एंथ्रीडियम बनाना है, हम उसे क्या कहेंगे कि वो क्या, वो एंथ्रीडियो फोर है। तो इस तरह ये ब्रांचेस निकलती हैं। कुछ स्पीशीज वो होती हैं जो मोनोशियस होती हैं, जिन पर दोनों के दोनों क्या होते हैं मौजूद होते हैं, और कुछ वो होती हैं जो डायोशियस होती हैं। तो ये बेसिकली इसके बारे में क्या था, स्ट्रक्चर के बारे में था, इसकी टैक्सोनॉमी के बारे में था। कल हम इंशाल्लाह इसके जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह होता है और उसकी सिमेट्री क्या है।